टूरिज्म ने लेने देश में गुजरात नु नाम आगे प्रथम हरोड़ में आ रही है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी हो कच्छ नु रण हो गुजरात से भारत की मुलाकाते आवनार जे यात्री होय छे तेमनु आकर्षण केन्द्र बनी रह्यु छे। अत्यारे आपणी पासे उपस्थित छे दीप्ति भटनागर, आपणे तेमनी पासे जाणीशुं के जे आजे टूरिज्म ने लईने जे गुजरातनुं जे देशमां जे नाम आवी रह्युं छे आगळ तेने लईने जे सुविचारी रह्या छे। आपनुं स्वागत छे ईटीवी भारतमां। नमस्कार। ये जो टूरिज्म को लेकर जो अभी गुजरात में डेवलपमेंट चल रहा है और यात्री की तरह आप बहुत ट्रैवल करते हो, तो आपका क्या ओपिनियन है गुजरात को लेकर? मैं गुजरात पिछले 20 साल से आ रही हूँ। मैंने यहाँ बहुत सारे शो शूट किए हैं, जैसे मुसाफिर हुई यारो और यात्रा। यात्रा में हमने गुजरात के सभी मंदिर शूट किए हैं। उसके अलावा हमने यहाँ के मॉन्यूमेंट, यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और यहाँ का क्विजीन, उसके बारे में हमने बहुत कुछ दिखाया भी है। लेकिन गुजरात, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इतना वाइब्रेंट है, ना कि सिर्फ कलर्स में, क्विजीन में, लुक में, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। और इसीलिए मैं सबसे बोलती हूँ कि आप सब गुजरात आइए, क्योंकि गुजरात एक शुरू से ऐसा स्टेट रहा है जो हर चीज़ को बहुत अच्छे से दर्शाता है। जहाँ आप फेस्टिवल्स की बात करें, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फेस्टिवल्स होते हैं। कलरफुल फेस्टिवल लाइक काइट फेस्टिवल इज अ इंटरनेशनल फेस्टिवल, और उसकी एक बिल्कुल अलग यू नो स्पेशलिटी है। तो इस तरीके से जैसे यहाँ के मंदिर हैं, जैसे पालेताना मंदिर है, वो इतना खूबसूरत है, आर्किटेक्चर इतना सुंदर है उसका। फिर दूसरी तरफ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सोमनाथ है, जिसकी इतनी बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है। तो इस तरीके से यहाँ पर आना और हर बार एक नया डेवलपमेंट देखना, वो बहुत एक्साइटिंग रहता है मेरे लिए। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं अब कल सुबह चंपानेर जा रही हूँ, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और बहुत ही खूबसूरत भी है। उसके अलावा आई एम सो एक्साइटेड टू गो टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसके लिए हम बहुत सब लेडीज एक साथ जा रहे हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे गुजरात में मधुबन आना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये रिजॉर्ट थोड़ा अलग है दूसरे होटल से, बहुत खुला हुआ है और यहाँ पे ऑर्गेनिक यू नो चीज़ें हैं। बट सबसे अच्छी बात जो हमें अब फोकस करनी चाहिए, वो हमें एग्रो टूरिज्म पे करनी चाहिए, और वो आई थिंक यहाँ की खासियत भी है। क्योंकि यहाँ पे बहुत, मैंने रास्ते में जब मैं अहमदाबाद से आनंद तक आई, तो मैंने पूरे रास्ते खेत देखे और वो एकदम ग्रीन थे, यानी कि सब जगह खेती हुई हुई थी और वो फ्लरिश कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा देखने में। सो आई थिंक गुजरात इज सच अ ब्यूटिफुल स्टेट, इट इज सो वाइब्रेंट, इट इज सो फ्रेश, यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। जो गुजरात में जैसे आपने टूरिज्म के लिए बताया है, अभी जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो वर्ल्ड अट्रैक्शन बन रहा है, पर जिस प्रकार से अभी कच्छ में भी जो डेवलपमेंट चल रहा है, कच्छ के रन को लेकर रणोत्सव है और जो फेस्टिवल वहाँ पे जो गवर्नमेंट के साइड से ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे, जो गवर्नमेंट जो टूरिज्म को अभी प्रमोट करने के लिए आगे आ रही है? तो आप 20 साल से मैं देख रही हूँ कि गुजरात टूरिज्म, पूरे हिंदुस्तान में अगर आप बात करें तो गुजरात टूरिज्म सबसे ज्यादा एक्टिव है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। यहाँ पर हमेशा टूरिज्म बॉडी बहुत कोशिश करती है कि वो नए नए चीज़ें इंट्रोड्यूस करें, नए फेस्टिवल्स इंट्रोड्यूस करें। स्पेशली कच्छ को देखिए, कच्छ में इतने सुंदर टेंट्स लगाए गए हैं और वहाँ लोगों को जाना विंटर में, तो आई थिंक उससे सुंदर कोई जगह ही नहीं है जाने के लिए, इतना खूबसूरत लगता है वो। अगर आप फुल मून नाइट पे चले जाएंगे तो वो बहुत ही सुंदर है। सो इस तरीके से आई थिंक गुजरात टूरिज्म नए नए फेस्टिवल्स इंट्रोड्यूस करना और उसको बढ़ावा दे रही है, टूरिज्म को यहाँ बहुत बढ़ावा देते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा जितने भी यहाँ फेस्टिवल्स होते हैं, वो हमेशा मीडिया को बुलाते हैं, जो अच्छे अच्छे शोज हैं उन्हें इन्वाइट करते हैं, ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानकारी पहुँचे। तो मेरे को तो हमेशा टूरिज्म का यहाँ सपोर्ट रहा है और मैं आगे भी यहाँ आती रहूँगी, क्योंकि गुजरात मुझे बहुत प्यारा लगता है। जी, यह था दीप्ति भटनागर, जेमने गुजरात सौथी वधु प्रिय छे, गुजरात ना रंगो अने गुजरात ना कल्चर साथे गुजरात में विकसी रहेला जे टूरिज्म ना जे अत्यारे नवा नवा सोपानो छे तेमने तेमणे याद कर्या छे अने तेमणे अवारनवार गुजरात नी मुलाकात लेवा माटेनु पण जानकारी आपी। जसदीप गढ़वी, ईटीवी भारत, आणंद। सतत 24 कलाक समाचार जोवा माटे डाउनलोड करो ईटीवी भारत एप।